Assalamualaikum guys, this is Danish Soomro and welcome back to my channel store4u.pk. Guys, जो है हम आपके लिए एक अनबॉक्स करने जा रहे हैं फोन Realme का Narzo 30A. Guys, this is the phone. ये समझ लें कि पाकिस्तानी कंपनी के बीच में एक धमाका है. ये Realme वालों का ब्रांड है और Realme ब्रांड जो है कोई लोकल ब्रांड नहीं है. ये Oppo वालों की पेरेंट कंपनी है और बेहतरीन डिवाइस निकालिए. 21,000 की रेंज में ये फोन आता है. आप प्रीमियर फोन से तो मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने अभी रिसेंटली ये 32 लॉन्च किया, वो सेम प्रोसेसर इसमें लगाया हुआ है, G85 प्रोसेसर लगा हुआ है, विच इज ए गेमिंग प्रोसेसर जो आपको एक्सट्रीम गेमिंग देता है. और अगर हम बात करें बैटरी की, अच्छा गेमिंग प्रोसेसर के साथ आपको पता है कि बैटरियां कम होती है, लेकिन उन्होंने 6000 mAh की बैटरी लगाई हुई है, प्लस 18 वोल्ट की चार्जिंग भी दे दी है. भाई 21,000 में सब कुछ इन्होंने दे दिया. अच्छा कैमरा है, उन्होंने डुअल कैमरा दिया है 13MP और फ्रंट 8MP कैमरा दिया है. ज्यादा इस पे बात करें तो ये इसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं आपके लिए गाइस, Narzo 30A. सो अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं. ये हमारा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, ना ही एडवर्टाइज है और ना ही हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं. ये हम आपके लिए अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो बोलते हैं फोन अंदर से कैसा है. सो अनबॉक्सिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर डिजाइन कैसा है, लुक क्या है, फोन के अंदर प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, क्या मिसिंग है, क्या नहीं है. तो वॉच करने के साथ आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फोन अनबॉक्स करें और आपको ज्यादा अपडेट रखें फोन्स के साथ कि पाकिस्तान में कौन सी कंपनी क्या क्या फोन्स ला रही है. सो गाइस, सो अनबॉक्स करने से पहले इंट्रो. और ये हम आपके लिए अनबॉक्स कर रहे हैं. अच्छा मैं इसके साथ आपको बताता चलूं, अगर आपको Realme को चेक करना है, अगर मैं आपको बताता चलूं कि Realme को चेक करना है कि एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो दो तरीके हैं इसको चेक करने के, ये सील्ड फोन है या नहीं है, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है. एक्टिव और नॉन एक्टिव क्या होता है? एक्टिव फोन वो होता है जब आपकी सिम लग जाए और उसकी वारंटी स्टार्ट हो जाए, दैट इज एक्टिव. नॉन एक्टिव वो होता है कि कंपनी की तरफ से अभी फोन ऑन नहीं हुआ, ना उसमें कोई एक सिम लगी है पाकिस्तान में, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्टिव, मींस वारंटी स्टार्ट नहीं हुई. गाइस इसकी पैकेजिंग अगर आप देखेंगे, इसकी पैकेजिंग जो है, इसकी पैकेजिंग में कोई ज्वाइंट नहीं होगा. Realme की पैकेजिंग आप ऊपर से भी देखें और साइडों से भी देखें, कोई ज्वाइन नहीं है. सो ये कंपनी सील फोन मैं आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहा हूँ और अनबॉक्स करते ही हम इसमें आपको मजीद डिस्काउंट दे देते हैं अनबॉक्स वाला फोन. सो प्राइस और डिस्काउंट की बात एंड में करेंगे, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं. मैं आपको बताऊं कि इन्होंने आपके पास ऑनलाइन एक्सेस भी होता है वारंटी चेक करने का, ना आप चेक कर सकते हैं. सो गाइस दिस इज द फोन, अनबॉक्स कर रहे हैं आपके सामने और यहां पर जो है ये फोन, इसमें देखें कि डिवाइस है और ये आपके सामने, ये डिवाइस को बाद में देखते हैं और देखते हैं अंदर क्या है. अच्छा केस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये बुकलेट्स है लेकिन केस नहीं है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है अपना केस हो, लेकिन केस में नजर नहीं आ रहा कहीं भी. और ये चार्जर है आपके सामने, एक चार्जर. सो ये चार्जर आपको जो है 18 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है, ये आपके सामने ही है 18 वोल्ट का चार्जर. और ये केबल दी है इन्होंने, डेटा केबल, विच इज अ टाइप सी डेटा केबल. अच्छा इतनी रेंज में आपको टाइप सी मिल रही है. अगर हम दूसरे ब्रांड्स की बात करें, ओप्पो भी हो, तो वो आपको टाइप सी नहीं दे रहे, टाइप बी दे रहे हैं, इस टाइप सी केबल. अब फोन की तरफ आते हैं, फोन अनरैप कर रहे हैं आपके लिए. तो गाइस दिस इज द फोन, ये डुअल टेक्सचर जो है फोन का इन्होंने दिया है. और डुअल टेक्सचर मींस यहाँ पर जो है एक टेक्सचर है और यहाँ पर प्लेन है. ये भाई लाइन जो है ना, ये डिजाइन है, ये फ्लैट है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइन फील होंगी, ये बिल्कुल फ्लैट है. और डुअल कैमरा है, ये तीन कैमरा आपको लग रहा है, यहाँ पर AI लिखा हुआ है इन्होंने, ये इसमें कैमरा है तीन जो है नहीं है, डिजाइन वही है लेकिन कैमरा डुअल दिया हुआ है. एक जो है आपको 13MP है और एक जो है 2MP डेप्थ है. ये LED फ्लैश है, 13 MP कैमरा है. बैक पर फिंगरप्रिंट है. और सो गाइस राइट साइड पे इन्होंने वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिया है. राइट टॉप पर प्लेन है बिल्कुल और टॉप पर कुछ भी नहीं है. और
मींस के वॉइस कैंसलेशन माइक वगैरह लगा हुआ था वो नहीं लगा हुआ, और इस साइड पर जो है सिम ट्रे है, और सिम ट्रे में आप लोगों के लिए जो है निकालूं, सो सिम ट्रे अगर देखते हैं कि इसके अंदर जो है सिम ट्रे, गाइस ये जो सिम ट्रे है दो सिम और एक कार्ड लग सकता है इसमें आपके सामने ये सिम ट्रे। और अब अगर मैंने जो है ये फोन आपके लिए ऑन कर दिया है, और नीचे से अगर बात करें इस बॉटम से, तो एक स्पीकर है और एक टाइप सी जैक है और एक 3.5 mm का हैंड फ्री जैक है। सो गाइस दिस इज द फोन, इसका लुक। और अब ये ऑन हो जाए तो हम इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे और फर्दर बात करेंगे। फ्रंट कैमरा जो है मैं आपको बताऊं कि 8MP कैमरा है इसका, और अब इसको एक्टिव करते हैं आगे और देखते हैं कि अपना जो है कैसा है। सो ये ऑन हो गया, ये जो है 6.5 इंच है, और ये जो बॉडी रेशो है इसका 89:9 बॉडी है, मींस के यहाँ पर साइड में थोड़े से बेजल्स और यहाँ पर आपको बेजल्स जो है दिखेंगे, मींस के पूरा बॉडी रेशो नहीं है, यहाँ पर हल्के से बेजल नहीं है। अच्छा, पीछे से थोड़ा कर्व दिया है इन्होंने, बैक साइड थोड़ा कर्व है, और जो है दिस इज द फोन आपके सामने, ये हम अनबॉक्स कर चुके हैं। और अगर हम इनके अंदर बात करें कैमरा की, तो कैमरा में क्या फीचर्स हैं, कैमरा कहां तक जो है रिकॉर्ड हो सकता है, कैमरा में नाइट मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, और मोर में जाके देखें पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्लोमो। राइट गाइस, सो दिस इज, और ये फिल्टर्स हैं आपको बिल्ट इन फिल्टर्स जो है, ये जितने आप फिल्टर्स इसमें ये यूज कर सकते हैं। फर्दर जो है अगर आप जानना चाह रहे हैं, अच्छा हाँ एंड्रॉइड जो है इसमें चेक कर देंगे, एंड्रॉइड कौन सा है, गाइस ये एंड्रॉइड 10 है, अभी 11 चल रहा है, मे बी ये 11 का पैच दे दें आगे चल के, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जनवरी 5 तक है, सो एंड्रॉइड 10 है इसमें गाइस। और जो है अपना गाइस ये अनबॉक्स कर चुके हैं हम आपके लिए। अच्छा मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये ब्लूटूथ 5.0 है, और NFC चिप नहीं है इसमें, और जो है अपना 4G और LTE है, ये तो आपको सबको पता ही है कि आज के जितने भी डिवाइसेज हैं 4G LTE आ रहे हैं। गाइस और कुछ अगर आप जानना चाह रहे हैं इस फोन के बारे में, मैं कहता हूं कि ये फोन जो है इस प्राइस का बेहतरीन फोन कह सकते हैं कि अपना जो है। So, आप लोगों के सामने ये फील, अच्छा ये और बॉडी भी आप देख सकते हैं। अच्छा इसका पबजी जो टेस्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे हमारी, और इसके पबजी टेस्ट क्या है। और अच्छा प्राइस की बात करें तो गाइस ऑफिशियल प्राइस इसका 22,000 है, लेकिन स्टोर फॉर यू आपको अभी जो दे रहा है वो 20,999 में दे रहा है, मार्केट में अभी ये 22,000 का है। 21,000 में अगर आप कंपेयर करें तो आपको दूसरे फोन जैसे इन्फिनिक्स है या ओप्पो है या वीवो है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता, बट ये फोन जो है आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है 21,000 में। अच्छा 6,000 mAh की आपको स्लिमनेस चेक करवाऊं इसकी, 6,000 mAh बैटरी है तो इतना स्लिम नहीं है, बट मीन इसके हैंडी है, आपके हैंड में आ सकता है, और जो है ये हैंड में और पीछे फिंगरप्रिंट जो है ये मैंने आपको बता दिया। सो गाइस दिस इज द फोन, और ये हम आपके लिए अनबॉक्स जो है अनबॉक्सिंग और लेकर आएंगे, और नए नए फोन जितने भी लॉन्च होंगे हम आपके लिए अनबॉक्स करेंगे, अनबॉक्स तो करेंगे बट आप परचेज भी कर सकते हैं विद लोएस्ट प्राइस इन पाकिस्तान। सो इस बार हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपके बेनिफिट पे जाएगा ये चैनल, हम आपको चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें इस चैनल के थ्रू। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।